हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी फ्रेंड्स? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। कोल्ड का मौसम में बहुत अच्छे दिन कट रहा है, लेकिन ठंडा बहुत ही ज़्यादा है। तो आज की जो मेरी वीडियो है, एक हाउसवाइफ की डेली लाइफस्टाइल का वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, 5 मिनट्स का ही वीडियो है। तो मेरी जो न्यू फ्रेंड्स है, उसी फ्रेंड्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगी, मेरी वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा और एक लाइक डन कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को फ्रेंड लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरी चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लेना, क्योंकि मैं जब न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास जल्दी पहुँच जाएगी। तो गाइस, एक बंगाली हाउसवाइफ का जो डेली रूटीन होता है उसी को ही मैं थोड़ा थोड़ा करके शेयर करती हूँ। अगर टोटल वीडियो मैं शेयर करूँगी, सारे घर के काम अगर मैं शेयर करूँगी तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा और आप लोगों को देखने में दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए मैंने छोटा छोटा करके देती हूँ। तो गाइस, खाना वाना सब कुछ बनाने के बाद मैंने नहा के आ गई हूँ। इससे पहले जो काम करती हूँ ना, मैं बहुत ही बिज़ी रहती हूँ, हमेशा टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने के लिए। अभी थोड़ा सा टाइम मिलता है तो इसलिए मैं कैमरे को स्टैंड करके थोड़ा सा वीडियो मैं किए है, उसको मैं वही वीडियो को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए गाइज, मैंने आ गई हूँ नहा के, तो अभी थोड़ा बाल को सुखाना है धूपा में, थोड़ा कम्बिंग भी करना है। तो देखिए ना, इधर कैसा तेज़ हवा चल रही है। आप कपड़ा देखिएगा तो अब भी आप लोगों को पता चलेगा जी कितना तेज़ हवा चल रहा है, और ठंड भी ज़्यादा लगता है जब हवा चलती है ना गाइस। हमारा घर तो बंगाल में है, तो अभी बंगाल में ना बस 9, 10, 11 चल रहा है, और देखिए छाद में कितना हवा चल रहा है। इतना धूपा भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो धूप ना शरीर पर लग नहीं रहा था, क्योंकि इतना तेज़ी से जो हवा चल रहे थे ना, तो मुझे तो सुबह से टाइम ही नहीं मिलता है छाद में आने के लिए। तो नहाने के बाद मैं 10 मिनट्स तक बैठ रहती हूँ, उसके बाद फिर मुझे घर जाना है, और घर के जाने के बाद मुझे भगवान जी से थोड़ा प्रे करना है। तो उधर जब मैं नीचे बैठकर प्रे करती हूँ ना, मुझे बहुत ही ठंड लगता है, तो इसीलिए मैं इधर 10 मिनट्स बैठती हूँ। तो गाइस, मेरा पूजा करना हो गया है। पूजा करने के बाद मैं जो भगवान जी का जो बर्तन है ना, ठाकुर का जो बर्तन है छोटा छोटा, वो मैं धो के रख देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे पूजा करने में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। और मॉर्निंग में मेरी मम्मी जी पूजा करते हैं, तो मैं अभी ये बर्तन को धोकर रख देती हूँ। मम्मी को थोड़ा फ़ायदा होता है, मॉर्निंग में पानी ज़्यादा ठंड होता है तब तो मम्मी का प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैं धोकर रख देती हूँ। मम्मी मॉर्निंग में पहले पूजा कर लेता है, मम्मी मॉर्निंग में करते हैं, और मैं दोपहर को खाना बनाने के बाद, घर पोछा झाड़ू कपड़ा ये सब करने के बाद मैं पूजा करती हूँ। तो गाइस, इसके बाद मैं लंच करूँगी, और इधर ये बर्तन धोने के बाद मैं बेटा को खाना खिलाऊंगी और मैं भी लंच करूंगी। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट मिलता है। और आज तो ये तो सैटरडे का ब्लॉग है, तो बेटा का स्कूल नहीं है, बेटा घर में ही है। और देखिए, बर्तन मैं कुएं के पास धो रही हूँ, क्योंकि हमारा जो नल का पानी है ना, उधर थोड़ा आसमास होता है, मछली ये सब हम लोग जब खाते हैं उधर डाल के रखते हैं, धोते हैं, इसलिए हम लोग जो भगवान जी का जो काम है वो कुएं के पानी से करते हैं, और जब भगवान को पानी चढ़ाते हैं तब वो गंगा पानी से करते हैं। देखिए मेरा बेटा मेरा साथ खड़ा है। तो गाइज, आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी फ्रेंड अच्छे रहे, खुश रहे।